देर इज नथिंग लाइक नेसेसरी इन यूपीएससी. तो अभी वॉट दे नीड टू फोकस अपॉन इज द एसे एथिक्स एंड द ऑप्शनल पार्ट. बिकॉज इफ यू यू विल बी एबल टू स्कोर इन दीज थ्री सब्जेक्ट्स देन योर ओवरऑल स्कोर वुड बी वेरी गुड. देर इज नो राइट और देर इज नो रॉन्ग वे फॉर सेलेक्टिंग द ऑप्शनल. इट्स जस्ट प्योरली आउट ऑफ इंटरेस्ट. देन ऑल्सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन. मतलब यू विल ऑलवेज हैव टू कार्व योर ओन पाथ. तो वॉट यू कैन डू इज अपने सोर्सेज को थोड़ा सा लिमिट करके उनके रिविजन्स को बढ़ाइए. मतलब रिवाइज इट द मटेरियल फॉर एटलीस्ट थ्री टाइम्स आई वुड से. यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर. मतलब आंसर में अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो आंसर मतलब मार्क्स कम फेच करेगा. डोंट शाय अवे फ्रॉम मेकिंग डायग्राम. रफ डायग्राम्स बनाओ और उसको नीटली मतलब आउटलाइन करके डायग्राम्स लेकिन बनाइए. द डायग्राम्स विल डेफिनेटली फेच यू गुड मार्क्स. पीपल मे से कि 15 घंटे 16 20 घंटे बट आई डोंट थिंक लाइक दैट. मतलब मेरा ऐसा होता कि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन द नंबर ऑफ आवर्स. डेफिनेटली टेक अ ब्रेक. वीकेंड्स पे जरूर ब्रेक लीजिए और वीकडेज में भी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट टेक आउट वन आवर फॉर योरसेल्फ. हेलो एंड वेलकम टू इंडियन मास्टरमाइंड्स. आई एम मुस्कान खंडेलवाल एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस आईएएस ऑफिसर अर्णव मिश्रा हु विल बी शेयरिंग हिज इनवैल्यूएबल इनसाइट्स एंड स्ट्रेटेजिक टिप्स फॉर द कमिंग यूपीएससी सीएससी मेंस इन सितंबर 2024. Whether you are a first time aspirant or someone who has been on this journey for a while, this interview promises to provide you with practical advice, motivation and a deeper understanding of what it takes to succeed in one of the toughest exams in the country. Stay tuned as we delve into effective study techniques, time management strategies and the mindset required to excel in the mains examination. Let's get started. So I'll start with the very first thing. बहुत ज्यादा चल रहा है अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके. आई एम श्योर यू आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट. या सो इज कोचिंग नेसेसरी? इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक कोचिंग फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन और सेल्फ स्टडी इज इनफ? I would be saying that absolutely not. मतलब there is nothing like necessary in UPSC. और मतलब like civil services के किसी भी exam में necessary जैसा कुछ नहीं होता. It's just that you have to find your way. You have to find your path. There is no one way to crack it. मतलब कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जो मैं आपको या किसी aspirant को बता दूँ कि यही ही exactly path follow करना होगा. Then you will get through it. मतलब I won't say कि कोई benefit नहीं है. I will say कि हाँ कुछ benefits हैं भी. लेकिन वॉट आई वाउच फॉर इज की 90% ऑफ योर हार्डवर्क इज वॉट यूल गेट थ्रू. मतलब उसके अलावा मतलब उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. मतलब ठीक है आपको एक डायरेक्शन मिल सकता है अगर आप सोर्सेज बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं. तो अगर आपको वो डायरेक्शन की मिसिंग है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पिकअप करना है, कैसे पिकअप करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि शायद आपको कोचिंग हेल्पफुल हो सकती है. बट एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि जैसे डिजिटल सोर्सेज पे भी बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है. और जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान डिजिटल सोर्सेस को जो कि ऑनलाइन यूट्यूब पर अवेलेबल है उनको बहुत यूटिलाइज किया था. तो आई वुड से कि मतलब पीपल मे फाइंड बेनिफिट इन इट कि मतलब भाई कुछ जो उनकी वीकनेस है कहीं पे दे कैन कवर इट फ्रॉम देयर. अदरवाइज मोस्ट ऑफ इट इज योर हार्ड वर्क इटसेल्फ. देयर इज नथिंग लाइक नेसेसरी. ओके, सो हाउ कैन एस्पिरेंट्स क्रिएट अ बैलेंस्ड स्टडी प्लान दैट कवर्स ऑल सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर द मेन सब्जेक्ट ऑफ मेन्स एग्जाम? ओके, सो The mains exam is in September, right? So, अभी तक जैसे जिन भी students ने because they have just given their prelims and they are gone through the prelims. तो उनका जो GS वाला part था more or less जो static part था that has almost been covered. तो अभी what they need to focus upon is the essay, ethics and the optional part. Because if you will be able to score in these three subjects then your overall score would be very good. So, because GS you have just now completed. तो जीएस में वो वाला पार्ट जो आपने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा है प्लस ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल पार्ट इन पे आपको फोकस करना है. और उन पे फोकस करने के मतलब वेरियस सोर्सेज हैं दैट वी कैन डिस्कस अपॉन एज वेल लेटर. बट आई फील लाइक कि इन पे फोकस करना है एंड इन द लास्ट मंथ यू विल हैव टू अगेन कम बैक टू द जीएस जिसमें कि आप जीएस तो पढ़ ही रहे होंगे. जैसे इफ़ यू हैव अ वीक फॉर एग्जाम्पल 7 days तो 7 days में आप 3 दिन ऐसे एथिक्स ऑप्शनल एक दिन कर सकते हैं एंड बाकी दिन आप जीएस पे कवर कर सकते हैं. तो लास्ट के मंथ में आप इस तरीके से होलिस्टिक प्रिपेयर करेंगे. अभी आई यू नीड टू फोकस अपॉन ऐसे एथिक्स ऑप्शनल और आपको अपना टेस्ट सीरीज देना रहेगा. आपको अपना जो टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस हैं वो पढ़ने होंगे और जो आपके मटेरियल अवेलेबल है वो पढ़ने होंगे, टॉपर्स कॉपीज पढ़नी होंगी. तो इस तरीके से आप कवर करेंगे. ओके, तो आपने बताया ऑप्शनल के बारे में कि अभी ऑप्शनल पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो हाउ शुड वन गो अबाउट चूजिंग द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रिपेयरिंग इट?
आई फील लाइक कि अभी सिंस बिकॉज प्रीलिम्स हो चुका है एंड एस्पिरेंट्स मेंस देने जा रहे हैं, तो ऑप्शनल तो उनका सेलेक्टेड ही होगा. तो जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो देर इज नो राइट और देर इज नो रॉन्ग वे फॉर सेलेक्टिंग द ऑप्शनल. इट्स जस्ट प्योरली आउट ऑफ इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल लाइक इन माई केस, तो आई एम एन इंजीनियर, बट ड्यूरिंग माई डेज इन IIT आई मतलब वी वर ऑफर्ड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कोर्सेज एज एन इलेक्टिव. सो वहां पे फिर मैंने सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल लिया हुआ था. तो आई हैड अ टच विद सोशियोलॉजी और फील्ड विजिट करता रहता था, तो मुझे अच्छा लगता था सब्जेक्ट. एंड सो लेटर ऑन व्हेन आई चोज टू गो फॉर सिविल सर्विसेज, डेफिनेटली सोशियोलॉजी वॉज चॉइस फॉर मी. मतलब सोशियोलॉजी बीइंग एन ऑप्शनल, ऐसा है कि उसका मतलब कोर्स भी लिमिटेड है एंड मटेरियल इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो दैट ऑल्सो हेल्प मी. बट आई वोंट से कि यही इकलौता क्राइटेरिया है उसको देखने का. आउट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है एंड यू फील लाइक कि यू फील रिफ्रेश्ड आफ्टर स्टडिंग इट. मतलब जैसे GS की एक हम मोनोटोनस प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जो कि सब कुछ सब कोई कर रहा होता है, तो आफ्टर ऑप्शनल आफ्टर रीडिंग द ऑप्शनल इट इज लाइक अ मतलब ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. मतलब आपको अगर ऑप्शनल आपका बोर कर रहा है तो आपने रॉन्ग चॉइस लिया, क्योंकि मतलब इट इज द ओनली पार्ट ऑफ द सिविल सर्विसेज दैट यू गेट टू चूज. अदरवाइज सब कुछ आपके लिए प्री डिफाइंड है. इट्स जस्ट द ऑप्शनल जिसके लिए आपको चॉइस दी जाती है. तो अगर आपने चॉइस भी बोरिंग उठा ली तो फायदा क्या हुआ? तो यू हैव टू पिक द सब्जेक्ट इन विच यू हैव इंटरेस्ट. एंड हाउ विल यू गेट इट? जो अब अभी जो एग्जाम देने जाना है, जैसे अभी जो मेन्स लिख रहे हैं उनका तो सेलेक्टेड ही है, बट अभी लेटर ऑन जो लोग देंगे उनके लिए मतलब यू विल हैव टू गो थ्रू द सिलेबस. और आप हफ्ते दो हफ्ते उसको पढ़ के देखिए सब्जेक्ट को, मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में उसको देखिए, टॉपर्स की कॉपीज देखिए, किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उनको देखिए. इफ यू फील लाइक यू हैव एन इंटरेस्ट, आप उसके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं उस सब्जेक्ट्स के बारे में, तो इफ यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है. इफ यू फील लाइक कि यू मतलब एक वो इंक्विजिटिवनेस आ रही है, एक एक आ रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, देन यू कैन गो फॉर इट. मतलब देर इज नो राइट और रॉन्ग. अदरवाइज जो आपका बैचलर्स का सब्जेक्ट है, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, आप वो भी उठा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं. एंड हाउ शुड दे लाइक प्रिपेयर फॉर इट, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मटेरियल अवेलेबल नहीं होते हैं मार्केट में, ना कि यू नो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते. सो हाउ शुड वन प्रिपेयर फॉर इट? जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के हमें मार्केट में मटेरियल नहीं अवेलेबल होते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज सर्च फॉर द टॉपर्स. मतलब उस सब्जेक्ट से किन टॉपर्स ने एग्जाम को क्रैक किया है, सो उनके डेफिनेटली यूट्यूब पे वीडियोस पड़े होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे उनके वीडियोस पड़े होंगे. सो जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस, दे विल टेल यू हाउ टू गेट थ्रू इट. मतलब दे विल टेल यू द सोर्सेज, दे विल टेल यू हाउ टू गो थ्रू, मतलब हाउ टू रीच आउट टू दोज थिंग्स. मतलब कैसे आप उनको उठा सकते हैं, कहाँ से आपको वो चीजें सोर्सेज मिलेंगे. सो आई थिंक वहां से आपको काफी अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा, बिकॉज सम कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई मटेरियल मार्केट में ऐसा होता है जो उस ऑप्शनल को केटर कर रहा होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसी सब्जेक्ट के जो टॉपर्स कॉपीज हैं, आई फील दैट कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल के जिनमें वेरी इजीली यू गेट द मटेरियल, लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी, और इन सब में बहुत जल्दी PSIR, इसमें मटीरियल इज प्लेथोरा ऑफ मटीरियल इज अवेलेबल. बट इन इन लाइक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एंड इन सम अदर सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें मटीरियल का मतलब नहीं उतनी ईजिली अवेलेबल होता है. बट इफ यू विल गो थ्रू द टॉपर्स कॉपीज देन यू विल गेट गेट द हैंग ऑफ इट. मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, टॉपर्स कॉपीज देखो, टॉपर्स के वीडियोज देखो, उनकी स्ट्रैटेजी देखो, एंड देन ऑल्सो डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनी वन. मतलब यू विल ऑलवेज हैव टू कार्व योर ओन पाथ. मतलब आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे, समझेंगे, उनके जो इनपुट्स हैं वो अपने में अप्लाई करके देखेंगे, एंड वट एवर वर्क फॉर यू पिकअप दैट, डोंट ब्लाइंडली फॉलो. मतलब यू हैव टू इनोवेट ऑन योर ओन. ओके, तो GS को कैसे प्रिपेयर किया जाए? जनरल स्टडीज, आई गेस 1, 2, 3, 4, 4 पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज के. सो हाउ शुड द एस्पिरेंट्स प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज? एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि अब 1 महीना ही बचा है हाथ में, तो यू नो लास्ट मिनट प्रिपरेशन, लास्ट मंथ प्रिपरेशन, हाउ इट शुड बी? एज आई सेड कि जैसे पेपर 1 का जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो मोस्टली आपका प्रीलिम्स में कवर्ड ही था, बट दैट डजंट मीन दैट आपको उसको रिवाइज नहीं करना है. डेफिनेटली यू विल हैव टू गिव सम टाइम टू इट. मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वाला जो सारा पार्ट है, प्लस जैसे पेपर 2 में पॉलिटी वाला पार्ट है, पेपर 3 में जो भी स्टैटिक पार्ट्स हैं, यू विल हैव टू डेडिकेट सम टाइम फॉर इट. मतलब कि आप अब उसको अभी 1 वीक दे सकते हैं या लास्ट के मंथ में 1 वीक किसी समय आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए, स्टैटिक वाले पार्ट के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, वट आई कैन से, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी रही थी कि ऐसे एथिक्स ऑप्शनल तो कवर किया ही था. फिर GS में वॉट आई डिड वॉज की मतलब मेरे सोर्सेज में था मेन्स 365, मतलब जो मतलब नॉट इंडोर्सिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग वॉट आई डिड.
जो मेन 365 विजन की आती है, दैट आई रिगरसली स्टडीड अलॉन्ग विद दैट. मैंने 4 MIS का टेस्ट सीरीज लगाया था, तो दैट ऑल्सो वॉज क्वाइट हेल्पफुल. मतलब मैं एकदम रिलीजियसली जो टेस्ट सीरीज थी उसको सॉल्व करता था, एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कि राइटिंग की प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए. मतलब इफ वी आर नॉट इन अ शेड्यूल और हमें अगर लिखने की आदत छूट जाती है, देन ब्लॉकेड होने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में. बिकॉज इफ यू आर राइटिंग सच अ लेंथी एग्जाम, कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेड हो जाएगा. तो यू यू हैव टू बी इन द मतलब गेम, मतलब आपको लिखते रहना है आंसर. तो उसके लिए मैं रिलीजियसली अपने टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था फोरम की में MGP, और उनके सॉल्यूशंस पढ़ता था. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे विजन की मेन 365 मैंने बहुत रिलीजियसली पढ़ी थी, ईच सब्जेक्ट है ना. और साथ ही साथ व्हाट आई डिड वाज कि विजन के जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस थे टेस्ट सीरीज के, वो भी मैंने मतलब उस ईयर के सॉल्यूशंस पढ़े, प्रीवियस ईयर के भी सॉल्यूशंस पढ़े इन इन तीनों सब्जेक्ट्स के, GS 1, 2, 3. तो व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास इतना कंटेंट डेवलप हो जाता है ये सब पढ़ने. और ना सिर्फ आपको बस रीड करना है, बल्कि कोई भी मटेरियल आपको वही उठाना है जो कि एटलीस्ट यू कैन रिवाइज फॉर 3 टाइम्स. इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज, देन डोंट पिक अप द मटेरियल. जैसे प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कि विड्थ कितनी ज्यादा है, एंड मेंस अबाउट कि आपकी विड्थ कम हो लेकिन डेप्थ ज्यादा हो, कि यू कैन एक्चुअली रेप्लीकेट इट इन द एग्जाम. अगर आप उसको रेप्लीकेट नहीं कर पा रहे एग्जाम में, अगर आप इनोवेट नहीं कर पा रहे, उस समय सोच नहीं पा रहे, तो देन मतलब प्रॉब्लम आने वाली है. तो व्हाट यू कैन डू इज अपने सोर्सेज को थोड़ा सा लिमिट करके उनके रिविजन्स को बढ़ाइए. मतलब रिवाइज इट द मटेरियल फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स आई वुड से. तो मेन 365 हो गया, और विजन के टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस हो गए उस ईयर के, इफ यू गेट टाइम प्रीवियस ईयर, इफ यू डोंट हैव टाइम देन इट्स ओके. और जैसे मैंने फोरम की टेस्ट सीरीज लगाई थी, यू कैन गेट एनी टेस्ट सीरीज, यू कैन गेट एनी मटेरियल, उसके सॉल्यूशंस पढ़ लीजिए उस साल के. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर भी आपका, मैंने न्यूज़पेपर ऑल थ्रू माई प्रिपरेशन कंटिन्यूड रखा, एंड आई बिलीव दैट इट हेल्प मी अलॉट. मतलब बहुत सारे इंट्रोडक्शंस कंक्लूजन ऐसे होते हैं जो कि आपको न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर्स से, न्यूज से मिल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई डिड वाज कि जैसे मेंस 365 से मैंने बहुत सारा उसमें, जैसे जब आप सेकंड या थर्ड रीडिंग देंगे तो यू विल गेट टू नोटिस बहुत सारे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, और बहुत सारा डेटा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोशल इश्यूज का पढ़ रहे हैं या हम IR के गो थ्रू कर रहे हैं, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ की टर्म्स एंड लॉट ऑफ डेटा. तो व्हाट आई डिड वाज आई मेड अ शीट, जैसे कि हर सब्जेक्ट का है. फॉर एग्जाम्पल, इफ IR, देन आई मेड एन A4 शीट ऑफ IR इन विच आई डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड आई मेंशन ऑल दी गुड कीवर्ड्स दैट आई वाज एबल टू फाइंड. और मैंने ऐसे 50, 60, 70 ऐसे कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना ली उस A4 शीट पे आगे पीछे. दैट्स इट, एक IR के कीवर्ड्स की शीट हो गई. 1 A4 शीट आई मेड जिसपे कि मैंने उसको हाफ डिवाइड करके आई मेंशन ऑल द डेटा दैट आई फाउंड, ऑल द गुड डेटा. मतलब एक तो होता है कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डेटा होता है, एंड एक होता है जो कि थोड़ा सा जेनरिक डेटा होता है, कि इंडिया का डिफेंस बजट कितना है, इंडिया अपना नेक्सलिज्म का कितना अभी एरिया अफेक्टेड है, नेक्सलिज्म कौन कौन स्टेट्स में अफेक्ट कर रहा है. तो इस तरीके का जेनरिक बहुत ही वाइड डेटा होता है जो कि आप कहीं भी बहुत जगह यूज कर सकते हैं. सो जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का मैंने बताया ये सारा चीज, तो इन इनका जैसे IR का हो गया, तो IR का ही मैंने डेटा शीट भी प्रिपेयर कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया का कितना अभी ट्रेड चल रहा है किस कंट्री के साथ, बेसिकली ब्रॉडली. तो इस तरीके से एक मेरे पास A4 शीट IR की कीवर्ड्स की हो गई, और एक मेरे पास डेटा की हो गई, वो मैंने पिनअप किया, एंड ये मेरे पास अब रिविजन के लिए मटेरियल रेडी है. इसी तरह जैसे 5 या 7 कंपोनेंट्स होते हैं मेंस के, तो जैसे कि IR हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, फिर उसके बाद पॉलिटी हो गया, इसी तरह आर्ट एंड कल्चर हो गया. इसी तरह आप दो 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 A4 शीट आप बना लेंगे. एंड वॉट यू कैन डू इज एट दी लास्ट टाइम, मतलब जब 2 वीक रह जाते हैं, वॉट यू कैन डू इज कि उन दोनों को आप साथ में ले लो, साथ ही साथ जो आपका मेन 365 था उसका इंडेक्स निकाल लो, एंड उसको आप वो कर लो स्टेपल करके अपने पास रख लो. तो यू हैव दैट रिविजन मटेरियल, वो 4 पेज आपके पास रिविजन मटेरियल प्रिपेयर हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के, एंड यू हैव टू गो थ्रू इट रिलीजियसली. मतलब आप सुबह उठो, जस्ट गो थ्रू दैट मटेरियल, वो उस मटेरियल से आप गो थ्रू कर लो. जैसे सुबह का 1.5 to 2 hours यू कैन डेडिकेट टू इट, जस्ट सुबह उठ के सारा एक बार देख लो. इनिशियली आपको बहुत टाइम लगेगा, लेटर ऑन मतलब आफ्टर अ वीक ऑफ रीडिंग इट विल बी जस्ट लाइक हार्डली 1 आवर. आप 1 आवर में उसको खटाखट उलट लेंगे. वॉट विल हैपन इज कि वो सारा डेटा, वो सारे फैक्ट्स, वो सारी नॉलेज और वो टॉपिक्स जो है वो आपके दिमाग में बहुत डीपली इनग्रेन हो जाएंगे. मतलब तो वेन वेन यू विल बी गोइंग टू राइट दी एक्चुअल मेन्स, और ये प्रैक्टिस आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं इफ मेन्स 365 आ गई है. सो वॉट विल डू, ये होगा क्या कि बहुत बार लोग कहते हैं कि यार मेन्स में मार्क्स कम आ रहे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू इम्प्रूव, क्वालिटी कहाँ से ऐड करें, यहाँ से क्वालिटी ऐड होती है. सो लिटरली मतलब दिस हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज इन माई सेकेंड मेन्स एज कम्पेयर टू मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में और थर्ड अटेम्प्ट में यही मेन
जो डिसाइडिंग फैक्टर था, मतलब आई वॉज एबल टू स्कोर वेरी हाई एन जी एस, तो यही डिसाइडिंग फैक्टर था। इसका रिविजन करते रहना है और लास्ट 2 वीक्स में तो इसको रिलीजियसली पढ़ना है। साथ ही साथ जब भी आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें तो यू कैन गो थ्रू दैट मटेरियल जो आपने प्रिपेयर किया है। जब भी आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपकी टेस्ट सीरीज में भी कंटेंट एनरिच होगा। और साथ ही साथ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू द एंटायर सिलेबस ऑफ यूपीएससी एज वेल। जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हो आप एक बार यूपीएससी का सिलेबस गो थ्रू कर लीजिए, GS 1 2 3 4 का। व्हाट विल हैपन इज कि एट टाइम्स हमारा जो माइंडसेट होता है वो बहुत ज्यादा उस एग्जाम या पेपर ओरिएंट हो जाता है, लेकिन जो विड्थ ऑफ एग्जाम होती है या अक्रॉस द पेपर्स जो मतलब हम मर्ज कर सकते हैं चीजें, वो हम बहुत सारी मिस कर जाते हैं। बट व्हेन यू विल गो थ्रू द सिलेबस यू विल रियलाइज कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं GS 3 की जो कि आप GS 1 में इनकलकेट कर सकते हैं, GS 1 की 3 में कर सकते हैं, 2 की 3 में, 2 की 4 में कर सकते हैं। तो देर इज नो स्पेसिफिक, इतनी स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं है वॉटर टाइट जितना हम सोच रहे होते हैं। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन व्हाट वी डू इज कि हम उसको एकदम स्पेसिफिक कर देते हैं। तो आई वुड से कि यू कैन अवॉइड दैट, यू कैन गो थ्रू द सिलेबस। दैट्स व्हाई यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आपके पास बहुत सारा जो वैल्यू एडिशन का इश्यूज होता है वो सॉल्व हो जाएगा इस सब चीज से। ओके, तो न्यूज़पेपर को पढ़ने का कोई तरीका, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू रीड अ न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन और एनी कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन, आप हर एक पेपर नहीं पढ़ते होगे, लाइक नॉट ऑल दी पेजेस आर वेरी यूजफुल टू यू, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक वे ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर? What I did was largely in my preparation मैंने द हिंदू को ही फॉलो किया। लेटर ऑन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज आई फॉलोड अदर न्यूज़पेपर्स एज वेल। सो बट फॉर द हिंदू एटलीस्ट आई कैन से इज कि ऑफ कोर्स आपको फर्स्ट पेज सेकंड पेज ये तो आपके जो करंट अफेयर्स हो रहा है जो जनरल नॉलेज है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डे टू डे में चल रहा है। दैट यू विल हैव टू एटलीस्ट गो थ्रू द हेडलाइंस, मतलब अगर पॉलिटिकल इशूज हैं इफ यू आर नॉट गोइंग वेरी डीपली इन टू इट देन एटलीस्ट यू शुड नो कि हेडलाइंस में क्या चल क्या रहा है देश में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोकल न्यूज होती है वो यू कैन स्किप फॉर एटलीस्ट मतलब मेन्स पार्ट दो। अगर जब आप इंटरव्यू के स्टेज पे पहुंचेंगे तब यू विल हैव टू एटलीस्ट गेट द हेडलाइंस ऑफ दैट एज वेल कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में क्या चल रहा है ब्रॉडली। तो बट ड्यूरिंग द मेन्स दैट्स नॉट वेरी मच नीडेड, और मतलब प्रीलिम्स और मेन्स के लिए उतना नीडेड नहीं है, बट फॉर इंटरव्यूज यू विल हैव टू गो थ्रू दैट एज वेल। साथ ही साथ में एडिटोरियल पार्ट वी ऑल नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इंटरनेशनल वाला पार्ट होता है, दैट ऑल्सो वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स नाउ ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी ओलंपिक्स भी चल रहे हैं एंड जनरली मतलब अब प्रीलिम्स में भी कई बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, मेन्स में भी कई बार कुछ पूछा जा सकता है। तो यू जस्ट हैव टू नो दी एटलीस्ट हेडलाइंस की क्या चल क्या रहा है, मतलब अगर आप बहुत डेप्थ में नहीं जान रहे तो एटलीस्ट गेट टू नो दी हैंग ऑफ इट की चल क्या रहा है दुनिया में। एंड मतलब ये सारा करने में दो मतलब इनिशियली यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब इट विल टेक 2 to 2.5 to 3 hours इनिशियली। बट लेटर ऑन मतलब ड्यूरिंग मतलब जब आप अगर रेगुलर इफ यू आर इन टच विद द न्यूज़पेपर देन इट वोंट टेक दैट मच ऑफ टाइम। मतलब जब ड्यूरिंग माय मेंस प्रिपरेशन इट हार्डली टुक 1 hour फॉर मी टू कंप्लीट द हिंदू, बिकॉज इवन लेसर, बिकॉज क्या होता था कि यू ऑलरेडी नो द कंटेक्स्ट, यू नो एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू अपडेट योर नॉलेज, दैट्स इट। तो आप वर्टिकल रीडिंग करते जाते हैं, कुछ नया हुआ है, कुछ नया हुआ है, कुछ नया हुआ है, अच्छा ये नया हुआ है, दैट्स इट। आपने उसको अपने नॉलेज में फीड किया, बाकी आप स्किप करते चले गए। तो दैट विल हैपन ओनली वेन यू विल बी रिलीजियसली फॉलोइंग एंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना। एंड देन इंटरव्यू न्यूज़पेपर रीडिंग इज एंटायरली डिफरेंट गेम, बिकॉज उसमें फिर यू हैव टू गेट द लोकल न्यूज एज वेल, यू हैव टू मतलब अपार्ट फ्रॉम जैसे द हिंदू मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी लगा लिया था और दैनिक जागरण जो हिंदी न्यूज पेपर आता है वो भी लगा लिया था, सो एज टू गेट दी हैंग ऑफ की मतलब लोकल क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है एंड मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है। सो एज टू इफ अगर इस तरीके के कुछ लोकल इश्यूज या इस तरीके की लोकल स्टेट लेवल प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो यू कैन हैंडल दैट। तो ऐसा ओके, तो अभी जब आप जनरल स्टडीज का डिस्कस कर रहे थे, सो यू सेड आंसर राइटिंग लिखना बहुत जरूरी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू नो व्हाट आर द राइट टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव आवर यू नो एक्सपीरियंस आंसर राइटिंग्स? मतलब व्हाट आई डिड वाज कि मेरा बहुत पिन पॉइंटेड अप्रोच रहता था, मतलब पॉइंट टू पॉइंट रहता था। मतलब पीपल मे राइट इन पैराग्राफ्स बट मैं बहुत ही पिन पॉइंटेड रखता था एंड बहुत ही सिंपल मेरा था कि यू हैव टू हैव अ स्ट्रक्चर, मतलब आंसर में अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो आंसर मतलब मार्क्स कम फेच करेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वुड बी अराउंड 2 to 3 lines एंड देन मैं एग्जैक्टली जो हेडिंग जैसे वेन एवर जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता था तो मैं उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ रहा होता था एंड क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मतलब मेंस में इफ यू विल सी देयर आर 2 to 3 parts। तो उन सारे पार्ट्स को आप जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए 1 2 3 लिख देता था कि ये मुझे एड्रेस करने। कई बार होता क्या है कि
इतना स्पीड में हम रहते हैं कि वी वी टेंड टू मिस दोज पार्ट्स, एंड इफ यू विल मिस द पार्ट्स इन द एग्जाम देन यू मतलब आपके मार्क्स कम हो जाएंगे. तो क्वेश्चन पढ़ते समय मैं 1 2 3 लिख देता था, एंड देन जो पूछा गया एग्जैक्ट वही हेडिंग लिखता था. इंट्रोडक्शन के एग्जैक्ट वही हेडिंग, देन अगला पार्ट एग्जैक्ट वही हेडिंग, एंड देन एग्जैक्टली जो पूछा गया, एंड उसके बाद फिर कंक्लूजन. एंड मतलब एक जनरल दिमाग में ये हमेशा रहता था कि अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है देन आई एटलीस्ट हैव टू मेंशन 10 पॉइंट्स. तो मतलब अगर 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, तो आप अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आप दोनों हेडिंग्स के अंदर 5 5 पॉइंट्स मिनिमम डालेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप सन डायग्राम या कोई भी डायग्राम बना के पुटअप कर सकते हैं. तो एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. उसी तरह अगर 15 मार्कर है तो आपको 15 पॉइंट्स तो मिनिमम मैं दिमाग में लेके चलता था कि लिखूंगा. उससे ज्यादा हो जाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन आपको वन लाइनर्स भी नहीं लिखने या वन वर्ड पॉइंट्स भी नहीं लिखने, बिकॉज मतलब इट्स नॉट शॉर्ट नोट्स, मतलब ये आपके शॉर्ट नोट्स नहीं. तो आपको एटलीस्ट 2 लाइनर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ही छोटे पॉइंट्स लिख देते हैं, दैट इज नॉट गुड. और साइमल्टेनियसली अगर आप बहुत लंबे पॉइंट्स लिख रहे हैं 4 4 लाइन के, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. सो देर इज एन आइडियल लेंथ कि आप 2 लाइन का पॉइंट लिखो, उस पर एग्जाम्पल कोट कर सको, वेल एंड गुड. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने रिविजन के लिए बताया था कि कीवर्ड्स डेटा फैक्ट्स और ये सारा जब आप पुट इन करेंगे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन और बॉडी में, देन यू विल गेट गेट गुड मार्क्स मतलब. और अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आप प्री प्रिपेयर करके भी जा सकते हैं. अगर आप रिगरसली सोचेंगे उन टॉपिक्स के बारे में, तो यू विल गेट टू नो कि मतलब किस तरीके से ब्रॉडली, अगर हिस्ट्री का टॉपिक है तो मतलब मैं कंटेक्चुअल स्टार्टिंग कर सकता हूँ या मैं डेट के साथ स्टार्टिंग कर सकता हूँ. उसी तरह अगर पॉलिटी है तो मैं किसी आर्टिकल के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं किसी कमिटी के साथ, रिपोर्ट के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ, किसी डेटा के साथ स्टार्ट कर सकता हूँ. एंड कंक्लूजन में मैं क्या दे सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री बोलूँ तो मैं, तो कंक्लूजन वुड बी कि उसका प्रेजेंट इम्पैक्ट क्या है. कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो एंड सिविलाइजेशन पे आंसर कर रहा हूँ, तो देन आई विल से कि उसका आज के समय पे इम्पैक्ट क्या है, कि हमारा जो सिटी प्लानिंग है वो किस तरीके से उससे इम्पैक्ट होती है. आज भी हम वो पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न देखना चाहते हैं. उसी तरीके से जैसे ज्योग्राफी है, तो ऑलवेज हैव दैट इन माइंड कि मतलब ज्योग्राफी है तो मतलब 90% चांस है कि यू विल गेट टू मतलब आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा डायग्राम बनाने का. तो डोंट शाई अवे फ्रॉम मेकिंग डायग्राम, रफ डायग्राम्स बनाओ और उसको नीटली मतलब आउटलाइन करके डायग्राम्स लेकिन बनाइए. तो डायग्राम्स विल डेफिनेटली फेच यू गुड मार्क्स. अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि आईआर है, तो जैसे ज्योग्राफी हो गया, आईआर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इसमें आपको डायग्राम जरूर मिलेंगे. जो भी इजी से इजी डायग्राम है, फॉर एग्जांपल नक्सल इश्यूज पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंडिया एंड यू कैन मार्क व्हाट व्हाट द रेड कॉरिडोर इज अप्रोक्सीमेटली टू यू. आप ब्रॉडली मार्क कर सकते हैं. फिर उस तरीके से जैसे इंडो चाइना या इंडो पाकिस्तान रिलेशन पर डिस्कशन चल रहा है, टू फ्रंटल, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं वॉर टाइप पे, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम. या फिर गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल पे कर रहे हैं, तो मतलब डायग्राम्स तो बना ही सकते हैं बहुत ईजिली. या फिर जैसे आप ज्योग्राफी में किसी चीज पर डिस्कस कर रहे हैं, किसी क्रॉप पैटर्न के बारे में, किसी ग्रोथ के बारे में, यू कैन इजिली ड्रॉ डायग्राम जहां पे भी आपको मौका मिल रहा है. डायग्राम्स का डायग्राम जरूर बनाइए. वो मोनोटोन जो एक मोनोटोनस चल रहा होता है एग्जामिनर के लिए, वो ब्रेक करता है, एंड दैट वो आपका इंटरेस्ट वापस लाता है उस चीज में. आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ी सी जगह भी भरेगी, है ना, बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ पॉइंट. थोड़ी जगह भी भरेगी, आपको अच्छा लगेगा डायग्राम बनाने में, जल्दी बनेगा और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा. सो इस तरीके से, उसी तरीके से आप कंक्लूजन प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे कि सोशल इश्यूज हैं, तो अब सोशल इश्यूज में जैसे SDGs आर अ वेरी गुड कंक्लूजन. आप SDG से कंक्लूड कर सकते हो, आप किसी कमिटी की रिपोर्ट से कंक्लूड कर सकते हो, आप किसी डेटा से कंक्लूड कर सकते हो. ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी. तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके पास जैसे आपके दिमाग में जो आपने इतनी सारी रिविजन्स किए, तो उससे 5 डेटा या फैक्ट्स आ गए. तो ऐसा मत करिएगा कि सारे एक साथ ही स्प्रिंकल कर दिया, सारे एक साथ ही पुटअप कर दिया, इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ डाल दिया. ऐसा मत करना. जैसे आपके पास 5 फैक्ट्स हैं तो यूज 1 इन इंट्रोडक्शन, यूज 3 इन द बॉडी, यूज 1 इन कंक्लूजन. एंड ये अभी इतना प्लान्ड मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कैसे होगा, ओनली प्रैक्टिस. मतलब इतना आंसर लिखा था मैंने कि मुझे मतलब बहुत हद से ज्यादा आंसर प्रैक्टिस कर रही थी. मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आपकी मसल मेमोरी में फीड अप हो जाएगा ये चीज. इनिशियली अभी लगता है, मुझे भी लगता था जब आई स्टार्टेड दिस, तो आई फेल्ट लाइक कि कैसे हो पाएगा, मतलब मैं तो टाइम लिमिट में ही पेपर नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ और मेरे आंसर की क्वालिटी इतनी खराब है और कुछ बन ही नहीं पा रहा, मैं तो पॉइंट ही नहीं लिख पा रहा हूँ. डायग्राम बनाना, डेटा पुट इन करना, वैल्यू ऐड करना, ये सब तो बहुत दूर की बात है. बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 इतना ज्यादा वो मसल मेमोरी में फीड हो जाता है कि यू जस्ट हैव टू मतलब आप अपने आप को छोड़ दो, वो अपने आप इट विल टेक केयर ऑफ इट्स राइट सेल्फ, वैसा. राइट राइट इतना कुछ पढ़ने को है, GS, ऑप्शनल्स, देन आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम मैनेज किया जाए? मतलब
मेंस इज ऑल रेस अगेंस्ट टाइम, मतलब कुछ भी ऐसा परफेक्ट नहीं होगा जो कि आप परफेक्ट कर लोगे कि यार ये मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब देर बी एब्सोल्युटली नथिंग जिसके बारे में आप ये कह दो कि कंप्लीट हो गया। इट्स जस्ट कि आपको सब कुछ आना चाहिए, भले ही आपको बहुत बहुत डेप्थ में ना आना नहीं आ रहा हो, लेकिन यू विल हैव टू बेसिक एटलीस्ट अच्छा खासा आपको यू हैव टू हैव द नॉलेज। एंड उसके लिए मतलब मेरा वही स्ट्रैटेजी रहता था कि क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मैंने जीएस अभी पढ़ा है जस्ट, तो मैं उस समय प्रीलिम्स के बाद जीएस नहीं पढ़ता था, मैं सीधे एसे एथिक्स ऑप्शनल पे आ जाता था और जीएस बस उतना ही पढ़ता था जितना टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था और उनके सॉल्यूशंस पढ़ लेता था, दैट वाज इट फॉर मी। और ड्यूरिंग द लास्ट मंथ मतलब उस समय फिर मैंने जीएस की जो अपनी बुक्स होती हैं स्टैटिक, जो हमारा प्रीलिम्स वाला मटेरियल होता है, एक बार वापस से उनको गो थ्रू किया था। अदरवाइज मतलब यू विल हैव टू डिवाइड द टाइम, जैसे कि मैं हर वीक या हर मतलब वीक में 2 बार मैं कोशिश करता था कि वेंसडे और संडे को पेपर्स लिखूंगा। तो मतलब प्लान रहता है ऑफ कोर्स, मतलब इतना हो पाना या नहीं हो पाना बिकॉज रियलिस्टिकली वो थोड़ा सा टफ होता है, कभी आगे कभी पीछे, बट आई ट्राइड कि मतलब वीक में 2 टेस्ट लिख पाऊँ या 1 टेस्ट तो मिनिमम लिखना है। तो इससे क्या रहता था कि जीएस का टच बना रहता था, साथ ही साथ मैं बाकी टाइम जैसे हफ्ते में 4 दिन मिले तो उनमें अपना एसे एथिक्स ऑप्शनल पार्ट कवर करता था और 2 से 3 दिन अपना जीएस पार्ट कवर करता था, मतलब दैट वाज ब्रॉडली फॉर मी, ये इसी तरीके से मैं मैनेज करता था, मतलब 4-3। ओके तो रिवीजन करने का कोई अगर स्ट्रैटेजी की जैसे नोट मेकिंग, आप नोट्स बना के रखो तो एनी स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन, क्योंकि आखिरी महीना है तो दिस इज द ओनली मंथ कि डेफिनेटली आप रिवाइज कर सकते हो. रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दैट्स इट, नथिंग एल्स. जैसे कि ऑप्शनल के लिए कहूँ तो ऑप्शनल के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे अपने सोशियोलॉजी के, मैंने बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट नोट्स अपने बनाए थे। पेपर 1 इज अराउंड 80 पेजेस एंड पेपर 2 इज हार्डली अराउंड 60 पेजेस, तो मतलब मेरे पास अच्छे नोट्स बन के तैयार हो गए थे एंड वो मैं बहुत गो थ्रू करता रहता था उनको बीच बीच में, जब भी टेस्ट सीरीज लिखने होते थे तो मतलब मैं उन शॉर्ट नोट्स को पूरा गो थ्रू कर लेता था। तो आपके पास जिन भी सब्जेक्ट्स के आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं अभी से, वेल एंड गुड, अदरवाइज तो क्योंकि सिंस 1 महीना बचा है तो अब नोट मेकिंग का टाइम नहीं बचा है। व्हाट यू कैन डू इज कि आपने जो मटेरियल पढ़ा है उसी को जल्दी जल्दी गो थ्रू करिए, मतलब अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एथिक्स के शॉर्ट नोट्स थे, मेरे पास ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स थे, मैंने स्टैटिक पार्ट जो है उसके भी मेरे पास ठीक ठाक शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे एंड ऑल ऑफ देम आई हैव अपलोडेड इटसेल्फ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वो सारा अपलोड भी कर रखा है, अगर किसी एस्पिरेंट को जरूरत पड़े तो वो टेलीग्राम वगैरह पे और मतलब बहुत सारे चैनल्स पे पड़ा हुआ है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। और मतलब जैसे ऑप्शनल के लिए या फिर जीएस के लिए, एसए के लिए, एथिक्स के लिए सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं। कितने रेलिवेंट होंगे वो अभी पता नहीं, बट तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं वेल एंड गुड, आप उनसे रिवाइज करिए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो जो आपका मेन मटेरियल है, जैसे कि अगर मैं मेन 365 कहूँ या मैं अपने टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन कहूँ या मैं विजन के सोल्यूशन कहूँ, जो मैं टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन पढ़ता था, तो उनके मैंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, उनका मैं उनको ही 3 बार गो थ्रू कर लेता था। फर्स्ट फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, सेकंड रीडिंग में यू विल गेट टू अंडरलाइन कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड रीडिंग में यू विल गेट टू नो कि बस यू विल हैव जस्ट टू हैव टू गो थ्रू द कीवर्ड्स। आप की टर्म्स देखोगे उस पेज पे 4 आपको याद आ जाएगा कि क्या हो रहा है इस पेज में पूरा। तो यही सेम केस मैंने मेन 365, यही सेम केस मैंने टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन, यही सेम केस मैंने टॉपर्स कॉपी, इनके कभी नोट्स नहीं बनाए, इनको जस्ट उन्हीं से पढ़ लिया और जो पहले से शॉर्ट नोट्स बने थे बस उनको रिवाइज करता गया टेस्ट के पहले और मेन एग्जाम के पहले भी। ओके तो मेंस है तो एक स्ट्रेस रहता है कि होगा कि बिल्कुल नहीं होगा क्लियर, एग्जाम कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे. सो देयर आर सम पीपल जो जिनके पास कोई प्लान भी नहीं होता है, हु जंप इनटू दिस ओशन विदाउट एनी प्लान बी. कुछ के पास प्लान भी होता है, कुछ के पास नहीं होता है. सो देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस. तो हाउ वन शुड हैंडल दिस स्ट्रेस एंड स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन जर्नी. आई वुड से कि मतलब अपना जो स्केड्यूल है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक मत बनाइए, मतलब इफ यू 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 अगर आपको दिन में 8 से 10 घंटे मिल जा रहा है, आई थिंक दैट इज सफिशियंट। मतलब पीपल मे से कि 15 घंटे, 16 20 घंटे, बट आई डोंट थिंक लाइक दैट। मतलब मेरा ऐसा था कि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द नंबर ऑफ आवर्स, मतलब इफ आई एम एबल टू पुल आउट लाइक 15 आवर्स फॉर एटलीस्ट फॉर 3 डेज एंड द रेस्ट ऑफ द डेज आई एम लाइक डन, रादर देन दैट मैं अगर कोशिश करूंगा कि 8 से 10 घंटे मैं निकाल पाऊं लेकिन हफ्ते में 6 दिन निकाल पाऊं, और तो मैं समझता था कि दैट इज सफिशियंट फॉर मी। और एक दिन ब्रेक जरूर लेता था या एटलीस्ट हाफ डे ब्रेक जरूर लेता था, मतलब संडे में आप हाफ डे ब्रेक जरूर लें, मतलब फोर्स योरसेल्फ टू टेक अ ब्रेक, मतलब आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा एक्चुअली, मतलब अगर आप रिगरसली प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑफकोर्स आप मेन्स देने जा रहे हैं तो यू हैव रिगरसली प्रिपेयर।
तो आपका मन नहीं करेगा ब्रेक लेने का, यू विल फील लाइक कि क्यों मतलब करना है, लेकिन ब्रेक लीजिए, मतलब यू आर अ ह्यूमन बींग ऑफ कोर्स, यू आर नॉट अ रोबोट। तो अगर आप और रोबोट को भी आप ओवरहीट करोगे देन वो काम नहीं करेगा, तो आप तो फिर भी ह्यूमन। तो डेफिनेटली टेक अ ब्रेक, वीकेंड्स पे जरूर ब्रेक लीजिए, और वीकडेज में भी जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट टेक आउट वन वन आवर फॉर योरसेल्फ। मतलब मैं इवनिंग में हमेशा, जैसे मॉर्निंग में भी हमेशा यूज टू मतलब मैं बुक्स कुछ पढ़ता रहता था, कुछ मतलब बुक्स, मतलब नॉट सिलेबस बुक्स, अदर बुक्स, मतलब कि जैसे कि कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ जनरल बुक्स पढ़ रहे हैं, या जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम सिलेबस हैं। साथ ही साथ जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, तो वो इट्स नॉट कि आप पूरा 1 घंटा वही पढ़े जा रहे हैं, जस्ट गो टू 2 और 3 पेजेस। सुबह हाफ एन आवर आप उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आई यूज टू डू इट अलॉट, मतलब सुबह मॉर्निंग रिचुअल मेरा यही रहता था कि आई रीड रीड अ बुक फॉर लाइक 20-30 मिनट्स, एंड आई मेडिटेट फॉर लाइक 20-30 मिनट्स। एंड इवनिंग में मेरा रूटीन रहता था कि आई यूज टू गो फॉर अ वॉक, मतलब मैं हमेशा वॉक पे जाता था, 2 से 3 किलोमीटर हर दिन वॉक पे। तो जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप परफॉर्म भी कर पाएंगे, मतलब अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट भी नहीं हो पाएंगे, एंड आप मतलब एंग्जाइटी डिप्रेशन ये सब चीजें बहुत ज्यादा आपको होने लगेंगे। तो डेली में भी आप ये समय अपने लिए निकालिए 1.5 to 2 आवर्स, और वीकेंड्स पे आप अपने लिए समय निकालिए। वीकेंड्स पे आप अपने फ्रेंड्स से बातचीत कर सकते हैं, जैसे मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से ऑन कॉल रहता था, क्योंकि बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग एट माई होम टाउन, तो फिर भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा टच में बना रहता था, उनको कॉल करता रहता था, क्योंकि वो सेम सिचुएशन में रहते हैं, वो आपकी चीज़ें आपके साथ बांट सकते हैं। और पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब जब भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था तो मैं घर वालों से भी कहता था कि तुम भी फ्रस्ट्रेशन बांटो थोड़ी, ऐसा थोड़ी होता है। तो मतलब व्हेन यू विल गेट टू डिस्कस विद देम ना, तो आपको नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि जितना टेंशन आप ले रहे हो एक्चुअली में उतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं मतलब अपना स्ट्रेस लेवल्स, और बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहना ठीक नहीं रहता है। मतलब आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं, फोकस व्हाट इज इन योर कंट्रोल, मतलब डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग इन द यूनिवर्स ना, यू आर नॉट गॉड और यू आर नॉट सुपर नेचुरल, यू आर जस्ट अ ह्यूमन बींग जो कि एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ऐसे हजारों लाखों लोग हर साल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ऐसे हजारों लोग सेलेक्ट होते हैं, ऐसे पता नहीं कितने हजारों सेलेक्ट हो चुके हैं और सेलेक्ट होते रहेंगे। तो मतलब ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, डेफिनेटली इट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग, एवरीथिंग इज ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑल्सो यू हैव टू रियलाइज कि ऐसा नहीं है कि ये नहीं तो कुछ नहीं, मतलब दुनिया में बहुत सारी चीजें अच्छी करने के लिए जो कि करी जा सकती हैं। तो लेकिन आपने सिंस एक ड्रीम लेके चले हैं, तो इट्स योर ड्यूटी टू वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर इट, वर्क हार्ड फॉर इट, बट डोंट बी वेरी वेरी फोकस्ड अपॉन द रिजल्ट। आप अगर रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाएंगे तो आप प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको फटीग होता चला जाएगा सिर्फ रिजल्ट को लेकर। तो बेटर फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, अगर दिन का 100% टाइम है तो उसमें से 80% टाइम फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पे, 10% टाइम यू कैन थिंक अबाउट द पास्ट कि क्या हो गया था, क्या हो गया था, इस अटेम्प्ट में फेल हो गया, उस अटेम्प्ट में ये नहीं हो कर पाया, वो नहीं कर पाया। 10% यू कैन फोकस ऑन फ्यूचर की, अच्छा ये कर ले, ये कर लूंगा, अगर कर लूंगा तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, ये नहीं तो वो नहीं, क्योंकि डेफिनेटली यू विल थिंक ऑफ इट, मतलब यू आर नॉट अ रोबोट, बट ट्राई टू मिनिमाइज इट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। Thank you so much, Arnav, for giving your time. यू वेलकम। We hope that the insights you have given for the mains preparation will help the aspirants who are going to give the exam in the coming month. Thank you, Arnav, for joining us today for this insightful discussion on the upcoming UPSC CSE mains exam and for sharing such valuable advice and strategies. As we approach September 2024, remember that success in the UPSC CSE mains come from a blend of thorough preparation, strategic planning, and self-confidence. Stay focused, stay motivated, and trust the process. If you found this interview helpful, don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more updates and expert insights.